लाइफ में पैसे कैसे कमाते हैं इसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन सब ये नहीं बात करते कि पैसे बचाते कैसे हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं। हे गाइस, मेरा नाम है सोनाली और आप देख रहे हैं सोनाली द इन्वेस्टर। आज हम आ गए वापस से और एक हिंदी मोटिवेशन वीडियो लेके। जी हाँ दोस्तों, अब से हम रेगुलर हो गए हैं, अब से हम कंसिस्टेंट हो गए। बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये बोलते हुए और ये करते हुए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, किस चीज का वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकॉन बजा दीजिए। हर फ्राइडे को आपके लिए एक हिंदी मोटिवेशन वीडियो आ जाएगा और उसके साथ साथ मंडे को एक इंग्लिश वीडियो आएगा, वेडनेसडे को एक बंगाली वीडियो आएगा और हर संडे को एक बुक रिव्यू आएगा। इतना सब कुछ आ रहा है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगा नोटिफिकेशन, बताओ। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि पैसे बचाते कैसे हैं। सब बात करते हैं कि पैसे कमाते कैसे हैं, ये जॉब वो जॉब, लेकिन क्यों ये नहीं बोलते कि पैसे बचाते कैसे हैं। अब पेनी सेव इज अ पेनी अर्न। पैसे की अहमियत क्या होती है बहुत जन को पता नहीं है, और इस चीज को मैंने अपनी लाइफ से सीखा है। तो मेरे लिए पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, और पैसे कमाने से भी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है पैसे को सेव करना। दोस्तों आज हम बात करने वाले 10 ऐसी चीजों के बारे में, जो यूज करके, जो चीज को अप्लाई करके आप अपने पैसे बचा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, अ पेनी सेव इज अ पेनी अर्न, तो इनडायरेक्टली आप अपने पैसे को बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखते रहिएगा, हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में, लास्ट वाले पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी जो अर्निंग है, अगर अर्निंग आपकी 100% है तो उस 100% को आप कैसे एफिशिएंटली डिवाइड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आपको अपना एक सेविंग्स का पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ेगा। अमाउंट का मतलब है कि जैसे आपकी अर्निंग्स आएगी, जैसे आपकी इनकम आएगी, आपकी सैलरी आएगी, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज हर महीने आप सेव करेंगे। वो 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, जितना कम भी हो। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि मेरी 10% होगी तभी मेरी सेविंग होगी, नहीं तो बाकी सब खर्चा कर देंगे, मेरी सैलरी बढ़ेगी तब सेव करेंगे, नहीं। आपकी जितने भी कम अर्निंग हो, अगर आप 5,000 रूपये भी कमा रहे हैं इंटर्नशिप से, 2,000 रूपये भी कमा रहे हैं इंटर्नशिप से, कुछ भी कर रहे हैं, उसका एक मिनिमम से मिनिमम 10% आप उसको सेव करें ही करें। नंबर 2, फर्स्ट सेव देन स्पेंड। बहुत जन ऐसा करते हैं कि जैसे पैसे आ जाते फटाफट से खर्चा कर लेते, इसको दे देते हैं, वो खरीद लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में वो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं कि मैं सेव करूं। इसको आप उल्टा करिए, एक हैबिट बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए, पहले मैं पैसे बचाऊंगा फिर खर्चा करूंगा। अगर ऐसा आपको इनडिसिप्लिन हो रहा है तो पहले आप एक क्या कर सकते हैं, दूसरा एक अकाउंट बनवा सकते हैं बैंक में। आपका जो प्रेजेंट बैंक अकाउंट है आप उससे और दूसरे बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं, और हर महीने एक प्रोसीड्योर के साथ आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज, एक परसेंटेज वहां पे ट्रांसफर करा सकते हैं विदाउट आपके इंटरवेन किए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। नंबर 3, बाय व्हाट यू नीड नॉट व्हाट यू वांट। लालच इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है। जो इंसान अपना लालच संभालना सीख लेगा ना, टेम्पटेशन कंट्रोल करना सीख जाएगा, वो इंसान दुनिया में जीत जाएगा। सच में बता रहे हैं, आज कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो मुझे देख के शॉपिंग मॉल में खरीदने की इच्छा नहीं होती। मुझे कोई भी आके बोले तुझे ये चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए, मुझे तुझे ये चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए, मतलब मुझे चाहिए, मेरी नीड है कि नहीं उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे चाहिए हर चीज, और ये सबके लिए मैंने देखा है। तो आप अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना सीखिए, जो चीज की आपकी जरूरत है उसी को खरीदिए, ना कि जो आपको हर टाइम चाहिए। नंबर 4, एक बैलेंस शीट मेंटेन करना सीखिए। आप अपने फोन में एक बजट प्लानर डाउनलोड कर सकते हैं, आप एक अलग से कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, आप एक एक्सेल शीट मेंटेन कर सकते हैं। उसमें एक इनकम और एक्सपेंस का कॉलम बनाइए, बहुत ही सिंपली। इनकम में आपके जितने भी दिन पैसे आते हैं, जो भी जो भी डेट पे पैसे आपके आ रहे हैं, सैलरी आपकी आ रही है, वो वहां पे लिखे। एक्सपेंस कॉलम में आप लिखे आपके जो जो भी खर्चे हो रहे हैं, जैसे कि आपका ट्रैवल एक्सपेंस हो गया, आपके घर के खर्चे हो गए, आपका रेंट हो गया, आपका अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं वो हो गया, मूवी जा रहे हैं वो हो गया, जितने भी आपके खर्चे हैं वो सारा वहां पे लिखिए, और जब भी जो भी खर्चा हो रहा है उसको वहां पे डालते रहिए। बहुत जन मेरे को ऐसे बोलते हैं कि यार पैसे आते तो है महीने के बिगिनिंग में या महीने के 15 तारीख में, लेकिन एंड में कहां पता नहीं कहां गायब हो जाते, मेरे पास पैसे बचते नहीं है। वो इसलिए नहीं बचते क्योंकि आप पैसे को ट्रैक नहीं करते। एक हैबिट बनाया कि आप अपने हर पैसे को, हर जब भी एक्सपेंस होगा उसको आप उस ट्रैक करेंगे और उसको हर मंथ आपको मेंटेन करना है। नंबर 5, लाइफस्टाइल एक्सपेंस। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाके खाना खाएंगे, बाहर पार्टी करेंगे, क्लबिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, या बाहर आप जाके हमेशा टैक्सी और उबर लेंगे, तभी आपका एक लाइफस्टाइल मेंटेन हो पाएगा। आप घर में भी पार्टी कर सकते हैं, आप गेट टुगेदर भी कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, हर टाइम नवाबजादे की तरह पैसे को ऐसे ऐसे मत उड़ा दीजिए।
महीने के बिगिनिंग में बड़ा मजा आएगा कि मेरे पास पैसे है, मनी बैग एकदम फुल है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, लेकिन महीने के एंड में अगर भिखारी को दे रहा हूँ मांगना पड़े अभी थोड़े पैसे दे दे ये दे दे, तो फिर क्या मतलब है बताइए। थोड़े से अपनी लाइफस्टाइल को आप ट्रैक करिए, थोड़ा सा मेंटेन रहिए, जरूरी होने पे ही खर्चा करिए, जरूरी होने पे ही बाहर जाइए। आप घर में पार्टी करिए, मेरी घर वाली पार्टी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार होती है, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होती, उसमें कोई भी टाइमिंग बैरियर नहीं होता, आप अच्छे खासे खाना बाहर से मंगवा सकते हैं, बहुत मजा कर सकते हैं, आप उसको करिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं, कहीं पर दूर जा रहे हैं, या फिर आप डेली का डेली कैब दे रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे आपको उसमें खर्चा हो सकते हैं। आप थोड़ा जल्दी उठिए, थोड़ा जल्दी निकलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके देखिए, या फिर आप ऑफिस से जब घर वापस आ रहे तब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए, तब तो आपका आपके पास कोई टाइमिंग का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो आप ऐसी सारी चीजों से थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को ना मेंटेन करके रखिए। नंबर 6, सीजनल डिस्काउंट्स और ऑफर्स। भाई हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ होता है, हमेशा कोई ना कोई एंड ऑफ सीजन सेल या कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो आप उस सेल का ना थोड़ा सा फायदा उठाइए। देयर इज अ रीजन कि वो सेल हो रहा है, वो सेल हो रहा है ताकि आप उसका फायदा उठा पाए, ताकि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। बल्क सामान आप उस टाइम खरीद सकते हैं, आप बल्क शॉपिंग कर सकते हो उस टाइम, नॉर्मल रेट से आपको कम में मिल जाएंगे वहां पे। हाँ थोड़ी सी भीड़ होगी, थोड़ा सा रश होगा, अगर आपके पैसे बच रहे और आपके पास मतलब क्वालिटी सामान भी हो रहा है, तो व्हाई नॉट, यू नो उसका एडवांटेज उठाइए। ऑनलाइन की स्टोर है, उसमें कभी ना कभी यू नो ओवरनाइट सेल दे देता है, 2-3 दिन के लिए एक लिमिटेड टाइम ऑफर देता है, उस टाइम अपनी खरीदारी करिए। नंबर 7, मेंटेन अ लिस्ट। जब भी आप बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए या ग्रोसरी खरीदने के लिए, बहुत जन ऐसे होता है मैं थोड़ा देख लेता हूँ या मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ, उस चक्कर में ना टेम्पटेशन के चक्कर में आप कुछ खरीद लेते हैं, और खरीदने के बाद एक के बाद अरे ये भी तो चाहिए, अरे वो भी तो चाहिए, खरीद लेते थे सारे सामान, पता नहीं चाहिए कि नहीं, ले लेते फ्लूक में, ले लेते उस यू नो एक मूड में। तो जब भी बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी खरीदने, घर का सामान खरीदने, अपने लिए सामान खरीदने, तो आप एक लिस्ट लेके जाइए और स्ट्रिक्टली उस लिस्ट के बराबर और लिस्ट के हिसाब से खरीदिए, उससे एक्स्ट्रा कुछ मत खरीदिए जब तक आपको नहीं लगता कि वो सच में जरूरी है। आपके पास एक लिस्ट होगा तो आप उसको फॉलो कर पाएंगे, आपको हर चीज खरीदने का टेम्पटेशन नहीं होगा। नंबर 8, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स। आई डोंट नो व्हाई लोग ऐसे नहीं करते, बहुत सारे लाइक OLX हो गया, बहुत सारे जगह पे आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक का भी कितना सारा सामान सेकेंड हैंड आपको मिल रहा है, आप सेकेंड हैंड सामान खरीद सकते हैं। इनफैक्ट मेरा ये जो फोन है जिससे मेरा मतलब मैक्सिमम वीडियोस, इनफैक्ट मेरे जो यूट्यूब में 100+ वीडियोस है, 100 के ऊपर वीडियो इस फोन से लिया गया है, और इंस्टाग्राम के जितने वीडियोस है सारे वीडियोस इस फोन से लिए गए हैं। अभी मेरे पास दूसरा फोन है लेकिन आई स्टिल यूज दिस फोन, और ये एक सेकेंड हैंड फोन है, ये ऑलमोस्ट पता नहीं 1.5-2 हजार में मिला, सैमसंग का फोन है, बढ़िया फोन है, और ये मेरे लिए मेरे दूसरे फोन से भी ज्यादा अहम करता है, क्योंकि ये मेरे लिए इतना काम कर देता है ना, आई कांट टेल यू। तो ये मेरे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, और अगर मेरे को इस फोन को खरीदना पड़ता नॉर्मल प्राइस में, आई डोंट नो कितने, मेरे मिनिमम 15-16 हजार तो चली जाते, व्हाई वुड आई वेस्ट दैट। क्योंकि थोड़ा कभी कभी मैंने ईगो को साइड में रखी है, कोई बुरी बात नहीं है सेकंड हैंड फोन खरीदना, अगर आपका नीड्स को वो मीट करे तो आप खरीदिए उसको। नंबर 9, हॉलीडे प्लानिंग। मैक्सिमम लोग एक साल में 1 या 2 बार वेकेशन पे हॉलीडेज पे जाते हैं, मिनी थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा घूम लेते हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली प्लान करेंगे, सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं होटल में नहीं लेकिन फ्लाइट में। अगर आप 2-3 महीने एडवांस में टिकट कटवा सकते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे फ्लाइट में बच जाएंगे। आप प्लानिंग करिए पहले से, इम्प्रॉम्प्टू अगर कोई ट्रिप हो रहा है या इमरजेंसी है तो बात कुछ और है, लेकिन अगर आप प्लान करिए घर पे जा रहे हैं तो पहले ट्राई करिए कि फ्लाइट का टिकट आप फटाफट कट कर लें। और नंबर 10, फाइनली मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम आ गए हैं, एक ऐसा रूल जिससे आप अपना 100% सैलरी को प्रॉपरली कैसे डिवाइड करते हो उसको आप जान सकते हो, इस रूल को आप फॉलो कर सकते हैं। इस रूल का नाम है 50-30-20 रूल। यस, 50-30-20 मनी रूल। 50% इनकम को आप स्पेंड करिए अपनी नीड्स पे, जैसे कि आपका रेंट हो गया, आपका ट्रैवल हो गया, आपका खाना हो गया, जो आपका नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान। 30% इनकम आप स्पेंड करिए आपके वॉन्ट्स पे, मतलब कि लग्जरी आइटम्स पे, शॉपिंग, मूवीज, ट्रैवल, ये सारी चीजों। और 20% जो बच जाता है उसको आप सेव करिए। तो ये है 50-30-20 रूल, 50% नीड्स, 30% वॉन्ट्स, 20% सेविंग्स। इसी बात पे ये वीडियो आज एंड होता है। दोस्तों मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका ऐसा कौन सा हैबिट है जो आपको रोक रहा है सेविंग करने से, और ये 10 में से आप कौन कौन सी हैबिट अपनाएंगे। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।